नमस्कार जोहार आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे संपूर्ण संथाल परगना से। रांची रेल डिवीजन 2, 3 और 4 जनवरी को कई ट्रेनों का परिचालन कर रहा है शुरू। रांची दुमका और लोहरदगा ट्रेन आज से चलेगी। रांची रेल डिवीजन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2, 3 और 4 जनवरी को कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है। इन ट्रेनों को रेलवे स्पेशल ट्रेन के रूप में चला रहा है। यात्री टिकट PRS काउंटर, आरक्षित टिकट काउंटर, UTS ऐप, ATVM या IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 2 से 4 जनवरी तक 10 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें हटिया राउरकेला पैसेंजर, हटिया टाटा पैसेंजर, आद्रा बरकनाना सहित कई ट्रेनों शामिल हैं। 2 जनवरी से प्रतिदिन रांची से प्रस्थान रात 9:30 बजे और दुमका आगमन 7:25 पर। दुमका से ट्रेन शाम 5:55 खुलेगी और सुबह 3:55 रांची पहुंचेगी। खरमास के बाद बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के असामयिक निधन से खाली हुई मधुपुर विधानसभा सीट पर काबिज होने के लिए जल्द ही सियासी गतिविधियां तेज होगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेताओं में शुमार हाजी हुसैन अंसारी का निधन 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में नियमानुसार खाली पड़ी सीट पर 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा आरम्भ हो चुकी है। खरमास समाप्त होने यानी मकर संक्रांति के बाद मधुपुर सीट को लेकर राजनीतिक कवायद तेज होने की आसार है। झारखंड यूनिवर्सिटी के वेबिनार में अचानक प्ले हुआ पोर्न वीडियो, प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत। दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में मानवाधिकार विषय पर आयोजित वेबिनार में अश्लील वीडियो प्ले होने की खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी। दुमका पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि बृहस्पतिवार को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में कम से कम आधा दर्जन बार अश्लील वीडियो चलने की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है, जिससे इसमें भाग ले रहे सभी लोगों को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। 9 वर्ष पर गुलजार रहे जिले भर के पिकनिक स्पॉट। नए वर्ष का आगाज शुक्रवार को जिले भर के लोगों ने धूमधाम से किया। गुरुवार की रात जैसे ही घड़ी की सुई 12 बजे पर पहुंची, लोगों में एक दूसरे को बधाई देने का दौर शुरू हो गया। लोग सड़क पर उतर आए और पटाखे फोड़कर नव वर्ष का आगाज किया। जगह जगह युवकों ने प्रतिबंध के बाद भी डीजे की धुन पर देर रात तक मस्ती की। इधर शुक्रवार की सुबह मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार मौसम शुष्क रहा और धूप खिली रही। हालांकि ठंड का एहसास लोगों को हो रहा था के बावजूद लोग पहले सुबह से ही पूजा पाठ में जुट गए थे। इसके बाद ही पिकनिक स्पॉटों का रुख किया। सुबह से देर शाम तक पिकनिक स्पॉट गुलजार रहे। पहली बार जरूरतमंद बच्चों को मिला स्कॉलरशिप योजना का लाभ। खबर गोड्डा से है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पहल पर पहली बार जरूरतमंद हुआ अभिवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की जरूरत को पूरा करने को लेकर स्पॉन्सरशिप हेतु योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया जिले में शुरू कर दी गई। जिले में पहली बार ऐसे 6 बच्चों का चयन किया गया जिन्हें स्कॉलरशिप योजना के तहत वित्तीय लाभ दिया जाना है। इस योजना के तहत लाभों को 3 वर्ष तक प्रत्येक माह 2,000 रुपये सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत अब तक 8 बच्चों को चिन्हित किया गया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा का बदलेगा परिदृश्य। गुणवत्ता पूर्वक वर्ष 2021 जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए उम्मीदों वाला रहेगा। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने व छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कालांतर में जो प्रयास किए गए, इसका परिणाम इस वर्ष सामने आ सकता है। जिला मुख्यालय स्थित गोड्डा कॉलेज में PG सहित MBA की पढ़ाई शुरू हो सकती है। उच्च व तकनीकी शिक्षा से जिले का परिदृश्य बदल सकता है। इस साथ ही पोड़ियाहार क्षेत्र से निर्मित मॉडल कॉलेज और महागामा में निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज सहित ठाकुर घंटी में सैनिक स्कूल को शुरू करने की योजना है। COVID-19 के कारण गत वर्ष इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इस वर्ष गोड्डा के पोड़ियाहाट में निर्मित मॉडल कॉलेज को भी शुरू करने की योजना है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 5 पड़ताल और सर्वे पूरा कर लिया गया है। 9 वर्ष पर उमड़ा भक्तों का उत्साह। खबर देवघर से है। 9 वर्ष के पहले दिन बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 3 बजे बाबा मंदिर का पट सरकारी पूजा के लिए खोला गया। इसके बाद सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा के द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना शुरू की गई। यह पूजा 3:45 तक चली। इसके बाद अर्घा लगा दिया गया। सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक अर्घा के माध्यम से भक्तों ने बाबा विद्यानाथ का जलापन किया। अलग अलग सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल।
नौ वर्ष के मौके पर शुक्रवार को अलग अलग क्षेत्र में घटी सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें से गंभीर रूप से घायल देवीपुर थाना क्षेत्र के लम्बा गांव निवासी सहदेव यादव की प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। देवघर से मुजफ्फरपुर जा रही कार जली, पीड़ित ने दर्ज नहीं कराई शिकायत, साथ ले गया वाहन। झाझा गिद्धौर NH 333 पर शुक्रवार की शाम करीब 3 बजे अचानक एक कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इसी दुर्घटना में कार से निकली चिंगारी से पूरे कार में आग लग गई। कार में सवार लोग कार से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जल गई। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर से एक परिवार 3-4 वाहन पर सवार होकर देवघर पूजा करने गए थे। वहां से पूजा कर शुक्रवार को सभी वापस मुजफ्फरपुर लौट रहे थे, तभी NH 333 पर दादरपुर के पास अचानक कार असंतुलित हो गया और सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई। झूम कर किया लोगों ने नए साल का स्वागत। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के लोगों ने शुक्रवार को नव वर्ष धूमधाम के साथ मनाया। पिकनिक स्पॉट पर लोगों ने पिकनिक का आनंद उठाया। टिको पहाड़ी, द्वार पहाड़ी, नोनिया जयंती नदी, लालपुर जयंती नदी, चेतनारी, ग्रीनजोरी पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ देखी गई। किटो पहाड़ी पर सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग की भीड़ लगी रही। पिकनिक पर आए लोगों ने सरकार से किटो पहाड़ी को पर्यटन स्थल के दर्जा देने की मांग की। उत्कृष्ट PM आवास बनाने के लिए बादल दास सम्मानित। नगर पंचायत जामताड़ा अंतर्गत पांडेडी निवासी प्रधानमंत्री आवास योजना के शहर के लाभुक बादल दास को उत्कृष्ट आवास निर्माण हेतु सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास से सचिव शहरी कार्य एवं आवासन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा NIC जामताड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिव, वरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सिंदर जोरी से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कर्माटार थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बीते गुरुवार को शाम कर्माटार थाना की पुलिस ने सिंदरजोरी गांव में छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भनक पाते ही एक आरोपी फरार हो गया। COVID-19 टीकाकरण का पाकुड़ में ड्राई रन, 2 स्थानों पर लगाया जा रहा है टीका। COVID-19 वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस टीकाकरण का ड्राई रन शनिवार को पाकुड़ में शुरू हुआ। टीकाकरण का ड्राई रन 2 स्थानों पर हो रहा है। इसके लिए सदर अस्पताल एवं हिरनपुर प्रखंड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र डांगापाड़ा में व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। यह ड्राई रन आम लोगों के लिए नहीं है। शहर से गांव तक नए साल का उमंग। पाकुड़ जिले में शुक्रवार को शहर से लेकर गांव तक लोग नए वर्ष का जश्न में डूबे रहे। साल के पहले दिन लोग यादगार बनाने में लगे रहे। कोरोना काल के बावजूद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। युवाओं बच्चों में खास उत्साह देखा गया। पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ी, लोगों ने जमकर मस्ती किया। इस बार कोरोना के कारण नए साल के जश्न में नियमों का प्रतिबंध जरूर लगा था, फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। युवा नए साल के स्वागत में अपने ही धुन से नजर आए। शिवगादी में पूजा कर नए साल की शुरुआत। खबर साहेबगंज के बरहेट से है। नए वर्ष पर बाबा गाजेश्वर नाथ धाम शिवगादी में पूजा अर्चना व पिकनिक बनाने के लिए शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पूजा कराने के लिए बरहेट थाना से महिला चौकीदार एवं पुलिस बल तथा शिवगादी प्रबंध समिति के सदस्य बारी बारी से श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भ गुफा में प्रवेश कराने की व्यवस्था में लगे थे। शिवगादी को आकर्षण ढंग से सजाया गया। प्राकृतिक हरियाली के अलावा जगरी जगह फूल के गुलदस्ता से सजावट किया गया। भक्ति पूर्ण माहौल में भोले शंकर के गीतों का भक्त झूम रहे थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।